और होंडा ने अभी रिसेंटली अपनी 10 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी भी निकाल दी है। अभी रिसेंटली हमारे होंडा में अभी स्कीम चल रही है, एक है हमारी यंगस्टर स्कीम कि अगर आपकी फैमिली में 18 से 25 तक का एज का कोई भी अगर है आपके, तो उस पर आपको 12,800 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 350 RS पे और हाईनेस पे, जिस पे आपको 10,000 डिस्काउंटेड मिलेगा, उस पर कोई एज लिमिट नहीं है, बस वो दो मॉडल्स पे। जिसका टैंक है ना वो काफ़ी बड़ा है। भाई एकदम मक्खन बाइक है, मतलब एकदम खतरनाक टक्कर देने वाली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइकों को। टॉल राइडर्स या फिर शॉर्ट राइडर्स है उन दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है लॉन्ग राइड्स के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ होंडा के बिग विंग शोरूम में, जो कि है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। टोटल दो बिग विंग के शोरूम हैं, एक है ये हल्द्वानी में एंड दूसरा है देहरादून में। तो जिस बाइक का आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो है होंडा की CB350, जो कि नई आई है लेटेस्ट मार्केट में। शोरूम के मैनेजर है वो है मिस्टर रजत। रजत भाई वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। तो भाई इस बाइक में कितने कलर ऑप्शन है? इसमें सर 5 कलर्स ऑप्शन आते हैं अपने। एक आ जाता है हमारे सामने आपका है ड्यून ब्राउन। ओके। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रे और मैट ग्रे। सेकेंड फिर थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास ग्लॉसी ब्लैक और 5th ऑप्शन आता है हमारा मैट ग्रीन। एंड जो इसका शोरूम प्राइस है जी वो कितना है इस सर? इसमें दो वेरिएंट आते हैं, डीलक्स एंड डीलक्स प्रो। तो डीलक्स जो हल्द्वानी प्राइस में हमारा है वो 2,14,800 है और डीलक्स प्रो का एक शोरूम प्राइस हमारा 2,17,800। तो ऑन रोड आते आते कितनी पड़ जाती है? ऑन रोड अप्रॉक्स ये चली जाती है आपकी 2,57 के अप्रॉक्स चली जाती है डीलक्स प्रो, और डीलक्स आपकी चली जाती है 2,54 की। एंड वारंटी और गारंटी ये सब चीज़ें क्या? सारी इंक्लूडेड। कितने साल की? 3 ईयर की वारंटी मिलती है कंपनी। Okay. बाकी एक्स्ट्रा आप खरीद सकते हो, जिसमें 4 ईयर्स की है, 5 ईयर्स की है, 6 ईयर भी है। और होंडा ने अभी रिसेंटली अपनी 10 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी भी निकाल दी है, जो आप ले सकते हो। अभी हाल ही में दिवाली साइड में कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी रही थी, बाकी आप अभी परचेस भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमारे होंडा में अभी स्कीम्स चल रही है, जो हमारी दो स्कीम्स हैं, एक है हमारी यंगस्टर स्कीम्स, जिसमें आपका एज लिमिट ऑप्शंस दिया हुआ है कि अगर आपकी फैमिली में 18 से 25 तक का एज का कोई भी अगर है आपके, तो उस पर आपको 12,800 का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो ऑल ब्रांड्स सारे वेरिएंट्स पे आपका हाईनेस हो चाहे आरएस हो, हाईनेस है हो, आरएस है, CB350 हो, CB300R हो, CB300F हो, सब पे अवेलेबल है वो ऑफर। तो काफी अच्छा डिस्काउंट है। हाँ, काफी अच्छा डिस्काउंटेड है, बट अभी लास्ट अब 31 मार्च लास्ट डेट है उसकी ऑफर की आपकी। Okay. और सेकंड है हमारा अपग्रेड स्कीम, उसकी भी लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च। और वो वेरिएंट आपके दो वेरिएंट्स पे बेसिकली CB350 RS पे और हाईनेस पे, जिस पे आपको 10,000 डिस्काउंटेड मिलेगा, उस पे कोई एज लिमिट नहीं है, बस वो दो मॉडल्स पे है। एंड ये जो बाइक है E20 फ्यूल में भी चल जाएगा? हाँ, E20 फ्यूल पे भी चल। तो भाई लोग आपको अगर आपको होंडा हाईनेस, होंडा CB RS या फिर होंडा CB350 के बारे में कुछ भी और एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए होगी, आप रजत को कॉल कर सकते हैं, मैं ऊपर इनका नंबर दे दूंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, इस बाइक की राइड लेते हैं और मैं आपको रिव्यू देखते हैं चलाने में कैसी है। सो बाकी कुछ डिटेल चाहिए तो मेरा खुद का भी चैनल। हाँ, कुछ डिटेल चाहिए होगी तो इनका चैनल भी मैं ऊपर दे देता हूँ ब्लॉग्स के नाम से। ठीक है वो भी आप सब जाके सब्सक्राइब करना, और आपके काफ़ी सारे जो भी दिमाग में आपको क्वेश्चन रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे इनके चैनल से। एंड कंपनी से ही आपको बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी टूरिंग से रिलेटेड, जो कि आप लगा सकते हो अपनी बाइक में। जैसे इस बाइक में हम लोग देख सकते हैं CB350 में काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, जैसे कि बैक रेस्ट, लगेज कैरियर एंड नकल गार्ड, जो कि सर्दियों में बहुत काम आते हैं एंड रोड में जो पत्थर वत्थर उठते टायरों में से, उससे भी सेव करते हैं आपको। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करा सकते हो, जैसे कि साइड गार्ड हो गए, यहाँ पे भी आप लोग विंडशील्ड लगा सकते हो अपने हिसाब से। काफ़ी सारे उसमें भी आपको मतलब डिफरेंट तरीके के आपको विंडशील्ड मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड ये आप लोग साइड में देख सकते हैं, सैडल बैग्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि होंडा की तरफ से सैडल बैग, हेलमेट्स एंड बहुत सारे, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कंपनी से ही हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं, राइड लेते हैं बाइक की। सो लेट्स गो। एंड जो इसका आगे का अलॉय है वो है 19 इंच का, जिसमें 100mm का टायर है। एंड जो पीछे का जो अलॉय है इसका है 18 इंच का, जिसमें 130 सेक्शन का टायर है। 18 इंच का है, RS का है 17 इंच का, उससे भी 1 इंच बड़ा है।
ये चीज़ अच्छी है इसमें, टायर के जो साइजेस है वो बड़े बड़े दे रखे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बाइक की मेरे हिसाब से बढ़ जाती है। तो अपनी राइड लेते हैं इसकी। जो इसका टैंक है ना वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा लगता है साइज़ में। एंड जो इसका टैंक साइज़ है वो है 15.2 लीटर्स का। एंड हैंडल भी काफ़ी वाइड है। वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रही है जैसे कि रॉयल एनफील्ड की बाइकों में होती है। मैंने काफ़ी चला रखी है रॉयल एनफील्ड की बाइक। भाई एकदम मक्खन बाइक है, बहुत स्मूथ बाइक है, बहुत स्मूथ बाइक है। मतलब एकदम खतरनाक टक्कर देने वाली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बाइकों को। मतलब क्लासिक क्या, थंडर बर्ड मीटिया और जो भी है बहुत बेटर है। एंड जो सिटिंग पोस्चर मेरा है, मेरी हाइट के जितने भी लोग हैं 6 फीट 3 इंच 2 इंच वाले, उनके लिए भी कंफर्टेबल है। मैंने होंडा की CB350 RS इसलिए ली थी क्योंकि मेरी हाइट लंबी है, हाईनेस मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे थोड़ी छोटी फील हो रही थी। तो मैं जो भी टॉल राइडर्स है, टॉल राइडर्स या फिर शॉर्ट राइडर्स है, उन दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है लॉन्ग राइड्स के लिए। अगर ये बाइक पहले आ रहती तो मैं ये लेने का भी सोच सकता था क्योंकि एकदम मक्खन बाइक है, सिटिंग पोस्चर भी एकदम कंफर्टेबल है मेरी हाइट के हिसाब से, टॉल राइडर्स हो शॉर्ट राइडर्स हो दोनों के हिसाब से। कलर भी बहुत प्यारा है इसका, रफ कलर है, काफ़ी रफ एंड टफ। एंड जो गियर शिफ्ट है वो भी बहुत स्मूथ है, गियर बॉक्स भी बहुत स्मूथ है इसका। इसमें फ्रंट और बैक के लिए पेडल भी दे रखे हैं ताकि आप आराम से गियर शिफ्ट कर सको। एंड जो फ्यूल इकोनॉमी है इसकी, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 35-40 है, सेम एज RS एंड हाईनेस, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा फ्यूल इकोनॉमी है। वाओ, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं इस बाइक में। एंड पिकअप वगैरह भी बड़ा तगड़ा है इसका, आराम से आई कैन से 130-140 तो ये टच हो ही सकती है ये बाइक, क्योंकि नई नई बाइक है तो इसका भी मैं इतना भगाऊंगा नहीं, आराम से ही चलाऊंगा। एंड जो मिरर की विजिबिलिटी है वो भी अच्छी है, एकदम मेरे को पीछे क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही पीछे देखने के लिए। अभी एक काम करते हैं, टर्न देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा है, आगे से थोड़ी गाड़ियाँ खाली हो जाए, थोड़ी मेरे को स्पेस मिले। बहुत ही इजीली आप लोग टर्न कर सकते हो, बिल्कुल वेट मेरे को इसका फील नहीं हुआ टर्न करने में। होंडा की बात यही है, मतलब जैपनीज इंजन है और इतना स्मूथ और रिफाइंड, और टर्न लेने के लिए भी मतलब टर्न मैं ले रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल इसमें डिफ़िकल्टी नहीं हुई, लग ही नहीं रहा था। मैं अराउंड 190 केजी की बाइक टर्न ले रहा हूँ, 190 से ऊपर ही होगा इसका वेट आई गेस, क्योंकि जो होंडा की मेरी RS है ये उससे उतनी वेट की होगी। एंड काफ़ी लंबी है, हाईनेस से ज़्यादा लंबी है। एंड पिलियन की जो मैं सीट देख रहा हूँ वो भी काफ़ी कंफर्टेबल इसकी दे रखी है। अगर आप पिलियन राइडर के लिए बैक रेस्ट लगा दो तो उसके मज़े ही मज़े, बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा उसे भी, लॉन्ग राइड्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी पिलियन राइडर्स को भी। मज़ा आ रहा है इस ये बाइक चलाने मुझे काफ़ी, क्योंकि बहुत ही स्मूथ है यार। अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड लेने जाओगे ना तो एक बार ये बाइक ज़रूर चेक करना। अगर आपने मन बना ही लिया रॉयल एनफील्ड ही लेनी है मुझे, मैं फिर भी कहूँगा एक बार ये होंडा की बाइक ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि मुझे ये बेटर लगी स्मूथनेस में और ये सब, मतलब राइड क्वालिटी, मूव करने के लिए लेफ्ट टू राइट टर्न करने के लिए, टर्निंग में भी आराम से टर्न हो जा रही है, बिल्कुल वेट फील नहीं हो रहा है इस बाइक का बिल्कुल।
एंड पिकअप भी बहुत बढ़िया है इसका। मतलब मैं पहली बार इस बाइक को चला रहा हूँ, बट ऐसा लग नहीं रहा पहली बार चला रहा हूँ, एकदम आराम से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। होता है ना जब पहली बार आप कोई बाइक चलाओ तो इसमें हाथ नहीं बैठता, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इतने आराम से मैं इसको राइड कर पा रहा हूँ, बिल्कुल इसका वेट फील नहीं हो रहा। बढ़िया बाइक है, मैं इसको 5 में से 4.5 तो दूंगा, 5 देना चाहता हूँ मैं, बट 5 पॉइंट क्या ही काटूँ अभी, 5 में से चलो 5 स्टार मैं इस बाइक को देता हूँ। अगर आप लोग टूरिंग वगैरह के लिए देख रहे हो बाइक, सिटी के लिए भी अच्छी है और लॉन्ग राइड्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, ये मैं बोलता हूँ। मज़ा आ रहा है अरे बाइक चलाने में। ऐसे खड़े खड़े भी इसको हैंडल करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, स्टील में भी। सो गाइस, मैं फाइनल रिव्यू ये दूंगा अपना कि अगर आप लोग एक बड़ी बाइक, मतलब बिग बाइक वाला फील लेना चाहते हो और टूरिंग बाइक भी अगर आपको चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट है 6'3", 6'2", 6'3 के जितने भी हाइट वाले लोग हैं और उनको टूरिंग बाइक चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, तो एक बार ज़रूर होंडा CB350 ज़रूर देखना, रॉयल एनफील्ड भी देखना अगर आपका मूड हो, या फिर ये भी ज़रूर देखना क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी और बेटर बाइक लगी एंड ये लुक में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी मिलते हैं आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, अभी के लिए चलता हूँ, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय एंड टेक केयर।